हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा पैराग्राफ फिलर्स के कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने और सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है कि पैराग्राफ फिलर्स के क्वेश्चंस बैंक पीओ मेन्स एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो क्लास में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि पैराग्राफ फिलर्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या सही टेक्निक है जिससे आप कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकें। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आप वोकेबलरी की ई बुक्स लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, englishiq.in। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस जनरली बैंक पीओ मेंस में पूछे जाते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में, लेकिन प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इन क्वेश्चंस में क्या करना है, यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ब्लैंक है। अब देखिए, ये ब्लैंक यहाँ पर बीच में भी हो सकता है, यहाँ पर शुरू में भी हो सकता है, यहाँ पर एंड में भी हो सकता है, और इस पैराग्राफ ब्लैंक को आपको फिल करना है। ठीक है, अब कहाँ से फिल करना है, ये जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, इनमें से आपको इसको फिल करना है। इसमें नन ऑफ दीज का भी एक ऑप्शन होता है। अब देखिए, सही तरीका क्या है। देखिए, एक तो है ट्रेडिशनल तरीका, कंजर्वेटिव तरीका, जिसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ना है, उसका मतलब निकालना है। तो इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसका मतलब निकाल पाएंगे। लेकिन एक दूसरा जो सही तरीका है, जिससे आप लॉजिकली क्वेश्चंस को ना केवल कम टाइम में कर सकते हैं बल्कि एक्यूरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक कॉमन सेंस अप्रोच है कि यहाँ पर जो भी आएगा वो प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन होगा। एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी आएगा वो प्रीवियस सेंटेंस जो है, जैसे ये अनलोड वाला ये सेंटेंस लिखा है, इसका एक्सटेंशन होगा और इससे वो लॉजिकली किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होगा। यदि आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो इसको बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेटली कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, इन नॉर्थ जकार्ता नॉट फार फ्रॉम अ क्यू साइट वेयर वर्कर्स अनलोड फ्रोजन मैकरल। अब देखिए, एक जगह की इसमें बात हो रही है, क्यू साइट एक्चुअली उसको हार्बर को बोलते हैं, यहाँ पर जहाज वगैरह अनलोड और लोडिंग होती है यहाँ पर। और फ्रोजन, देखिए यहाँ पर एक कॉमन सेंस में बता रहा हूँ आपको, कॉमन सेंस अप्रोच है ये, फ्रोजन यानी जमी हुई, तो यानी ये किसी नाउन का नाम है, ये किसी चीज़ का नाम है। ये मैकरेल एक्चुअली एक फिश होती है, उसकी इसमें बात हो रही है। तो यदि आपको पता भी नहीं हो तो भी आप इस वर्ड के थ्रू इसका पता लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकती है, ये नाउन ही हो सकती है क्योंकि इसके बगल में एडजेक्टिव दिया है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक कीवर्ड दिया है, वेयर हाउस। वेयर हाउस वॉज फ्लडेड इन 2007, तो वेयर हाउस से रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पर चाहिए और इसका वो एक्सटेंशन होना चाहिए। अब देखिए, इनमें से देखिए नीचे, द सस्पेक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि सस्पेंड सस्पेक्ट तो वेयर हाउस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑयल स्पिल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए सी वाला सेंटेंस देखिए, ए डेरिलिक्ट बिल्डिंग। डेरिलिक्ट बिल्डिंग, डेरिलिक्ट का मतलब होता है जो जो डैमेज हो चुकी है, जो जर्जर हो चुकी है, तो इस बिल्डिंग के लिए ही यहां पर ये वेयर हाउस वर्ड बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यदि आप इसको लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ए डेरिलिक्ट बिल्डिंग स्टैंड्स अ मीटर डीप इन मर्की वाटर, द वेयर हाउस वॉज फ्लडेड। ये बिल्डिंग की जो बात हो रही है, ये एक वेयर हाउस था जहां पर फ्लड आई थी 2007 में। तो यहां पर यदि आप लॉजिकली देखें तो ये सेंटेंस ही यहां पर फिट हो सकता है। बाकी के सेंटेंस देखिए, दीज एफर्ट्स की बात हो रही है यहां पर। यहां पर द ऑयल स्पिल वॉज कॉज्ड बाय गैस वेल किक, द रिलीज ऑफ गैस कॉज्ड बाय लो प्रेशर इन ए बेल बोर ऑन जुलाई 12। देखिए, तो यहां पर किसी बिल्डिंग का रेफरेंस नहीं है, यहां पर एक बिल्डिंग का रेफरेंस है और बिल्डिंग के लिए यहां पर वेयर हाउस हमने यूज किया है। ठीक है, तो लॉजिकली इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है पैराग्राफ फिलर्स को। तो यहाँ पर सी आपका सही आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये रियल क्वेश्चंस हैं, बैंक पीओ मेंस एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो 3 या 4 सेकंड में बिना पढ़े इसको आप सही कर सकते हैं। पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि पूरा पढ़ने में टाइम आपको बहुत लगेगा, इतना टाइम वहाँ पर नहीं मिलता है बैंकिंग एग्जाम्स में। तो
बिना पूरा पढ़े केवल कॉमन सेंस को अप्लाई करके, लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करके वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आप निकाल सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस में सेम टेक्निक से आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, इन द अर्ली 19th सेंचुरी जोसेफ फोरियर अ फ्रेंच पायनियर इन द स्टडी ऑफ हीट शोड दैट, देखिए यहाँ पर किसी फ्रेंच पायनियर की बात हो रही है, ठीक है, उन्होंने स्टडी करी है और उन्होंने स्टडी करने के बाद क्या निकाला है, कुछ निष्कर्ष निकाला है, स्टडी का कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। शोड दैट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई कंक्लूजन आना चाहिए, कोई ना कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें उस कंक्लूजन के बारे में बोला गया हो, ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस और लॉजिकल अप्रोच है। अब देखिए यहाँ से आप ऑप्शन देखिए, अमेरिका हैज स्टूड आउट टू डेट फॉर बीइंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये तो फैक्ट नहीं है, यहाँ पर किसी फैक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर किसी कंक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम ये बोल रहे हैं कि अमेरिका हैज स्टूड आउट टू डेट फॉर बीइंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज, मतलब अमेरिका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज में। अ जैक ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप फॉर मैनी ऑफ द बिगेस्ट एमिटर्स वर्ल्ड पुअरेस्ट कम्युनिटीज। अब देखिए ये वाला देखिए, डी वाला सेंटेंस देखिए, द एटमोस्फियर कैप्ट द अर्थ वार्मर देन इट वुड बी, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि अर्थ को और गर्म रखा जा सकता है, द एटमोस्फियर कैप्ट द अर्थ वार्मर देन इट वुड बी इफ एक्सपोज डायरेक्टली टू आउटर स्पेस। अब देखिए यहां पर एक लिंक और है, यहां पर ये देखिए ये लिंक आ रही है, इफ एक्सपोज्ड डायरेक्टली, तो किसकी बात हो रही है, इफ एक्सपोज्ड डायरेक्टली ये किसके लिए है, ये अर्थ के लिए है, ये एटमोसफियर के लिए है, ठीक है, द एटमोसफियर कैप द अर्थ वार्मर देन इट वुड बी इफ एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू आउटर स्पेस, मतलब अर्थ को जो एटमोसफियर है वो गर्म रखता है, यदि इसको डायरेक्टली हम आउटर स्पेस से एक्सपोज कर दें तो ये बहुत ज्यादा ठंडी हो सकती है, द अर्थ कैप द एटमोसफियर कैप द अर्थ वार्मर देन इट वुड बी, यदि इसको डायरेक्टली हम आउटर स्पेस से एक्सपोज कर दें तो ये ठंडी हो जाएगी अर्थ, तो एटमोसफियर जो है वो वार्म इसको रखता है। तो ये देखिए स्टडी ऑफ हीट उन्होंने की है, उसमें उन्होंने ये बताया है फ्रेंच पायनियर ने। तो यहाँ पर लॉजिकली यदि आप देखें तो यही सेंटेंस इसमें फिट हो सकता है, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा डी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आप देखिए नीचे कितना बड़ा पैरा दिया है और बिना पढ़े ही इसका आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से आप पढ़ते हैं और यहाँ पर भी देखिए मैं सेम टेक्निक से आपको बताऊंगा। इन रीसेंट टाइम्स सेवरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज हैव बिकम डिजिटल, ठीक है, रीसेंट टाइम में क्या हुआ है कि सेवरल और प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज जो हैं वो डिजिटल हो गई हैं। Some of them are only available online. कुछ केवल ऑनलाइन ही है, कुछ सर्विसेज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं, कुछ केवल ऑनलाइन ही है। तो इसका एक्सटेंशन यहां पर चाहिए। अब देखिए इसका एक्सटेंशन यदि हम यहां पर देखें तो देखिए यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि कुछ सर्विसेज डिजिटल हैं, कुछ सर्विसेज डिजिटल नहीं हैं, ठीक है, एक फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और उस फैक्ट को कनेक्ट करता है ये कीवर्ड दिस। दिस लीड्स टू ए न्यू काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, डिजिटल इनइक्वालिटी। तो एक्चुअली प्रीवियस सेंटेंस में हम डिजिटल इनइक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ सर्विसेज ऑनलाइन है, कुछ सर्विसेज ऑफलाइन है। दिस लीड्स टू ए न्यू काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, डिजिटल इनइक्वालिटी वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज एक्सर्बेटेड ड्यू टू इंफॉर्मेशन पॉवर्टी। कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी वजह से एक सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। देखिए कितना लंबा ये सेंटेंस है, केवल एक लाइन को मैंने पढ़ा और मैंने सही आंसर निकाल दिया। ये रियल क्वेश्चन हैं और ऐसे ही एक्चुअली जो रैंकर्स एंड टॉपर्स होते हैं इन क्वेश्चन को करते हैं लिंक के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा और ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बावजूद भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए
In fact, democracy is the only form of government where rules of scholarly and political debate are supposed to coincide both among citizens and between government and citizens. देखिए इसमें डेमोक्रेसी, देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो कई टाइप की होती है, और इसमें एक डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का टाइप है, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, जैसे हमारा इंडिया है. तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी तरीके के लोग, चाहे वो सिटीजन्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो खुल के डिबेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में. किसी का कोई डर नहीं रहता. अब यहाँ पर देखिए, देयर इज नो एंगर और सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन. मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ओपन टॉक जो है, ओपन स्पीच जो है, फ्री स्पीच जो है, उसको प्रमोट किया जाता है डेमोक्रेसी में. उसमें किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई डर, गुस्सा या सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन नहीं रहता. तो डिबेट से रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ पर चाहिए जो कि प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्ट हो और यहां से भी उसका रेफरेंस निकले. अब देखिए इसमें देखिए डी सेंटेंस में देखिए, वैसे यहां पर भी दिया है लेकिन डी में देखिए, इसमें डिबेट्स आर मेंट टू बी कंडक्टेड फियरलेसली एंड इन द इंसुइंग डिस्कशन मिस्टेक्स आर एक्नोलेज्ड एंड ओपिनियन चेंज्ड. मतलब मिस्टेक्स को एक्नोलेज किया जाता है और ओपिनियन को भी चेंज किया जाता है. तो जब कोई व्यक्ति मिस्टेक को एक्नॉलेज करता है और अपने ओपिनियन को चेंज करता है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई सेंस ऑफ एंगर या ह्यूमिलिएशन नहीं रहता है. यानी ये सेंटेंस, यहां पर जो सेंटेंस आएगा, इसका परफेक्ट एक्सटेंशन है, ठीक है. और प्रीवियस सेंटेंस का रेफरेंस भी इस सेंटेंस में मिल रहा है. यानी डी यहां पर आपका सही आंसर होगा. तो ये बैंक पीओ मेंस के क्वेश्चंस हैं. आईबीपीएस पीओ मेंस में, आरआरबी पीओ मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं यदि आपने आरआरबी पीओ मेंस में इंग्लिश लिया है. चलिए अब देखिए ये सेंटेंस बीच में दिया है, ये सेंटेंस बीच में दिया है और इसको कैसे करेंगे. देखिए मेरा जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ. सपोज आपके सामने ये सेंटेंस आता है, आपने यहाँ से नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, केवल यहाँ से एक लिंक देखिए. एंड कैलिब्रेटेड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज क्या है, नाउन है. कैलिब्रेटेड क्या है, एडजेक्टिव है. कैलिब्रेटेड जुड़ा है एंड के द्वारा, यानी यहाँ पर एक एडजेक्टिव और चाहिए. यानी एक ऐसा सेंटेंस यहाँ पर आएगा जिसके लास्ट में कोई ना कोई एक एडजेक्टिव होगा. अब देखिए बाकी सारे सेंटेंसेस में देखिए कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, केवल इसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है, ग्रेजुअल. तो यहां पर ये जुड़ जाएगा, ग्रेजुअल एंड कैलिब्रेटेड एक्सरसाइज. ये ग्रेजुअल यहां पर आ जाएगा, यानी इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका बी. केवल 3 या 4 सेकेंड में इसका आंसर, इतने बड़े सेंटेंस का, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकल के आ गया. तो ये है सही तरीका इन क्वेश्चंस को करने का. अब देखिए यहां पर मैं आपको फिर से बताता हूं. डोनाल्ड ट्रंप नेम्ड रॉबर्ट ओब्रायन एज हिज 4th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात हो रही है, रॉबर्ट ओ ब्राउन की बात हो रही है. तो यहां पर रॉबर्ट ओ ब्राउन का रेफरेंस आना चाहिए और वर्किंग टू फ्री अमेरिकन कैप्टिव्स. देखिए इसका रेफरेंस नीचे आया होगा, डेफिनेटली इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं आया होगा. देखिए यहां पर आया है इसका रेफरेंस डी में. रिप्लेसिंग जॉन बोल्टन, मिस्टर ओ ब्रायन इज द स्टेट डिपार्टमेंट होस्टेज नेगोशिएटर. देखिए अगले वाला जो सेंटेंस है उसमें कैप्टिव्स की बात हो रही है, कैप्टिव, ठीक है, और यहां पर हॉस्टेज की बात हो रही है. तो ये दोनों भी मिलते जुलते वर्ड हैं और यहां पर ओ ब्रायन का भी रेफरेंस है. तो इसमें डी जो है, इसमें यहां पर आपका सही आंसर होगा लॉजिकली. तो ऐसे इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. क्लाइमेट चेंज इज अ डायर थ्रेट टू काउंटलेस पीपल, इट विल. देखिए यहां पर एक्चुअली इट आया है, ये प्रोनाउन है. तो यहां पर कोई ना कोई इससे रिलेटेड प्रोनाउन या नाउन होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. क्लाइमेट चेंज इज दो अ डायर थ्रेट टू काउंटलेस पीपल. देखिए यहां पर आएगा, इसमें कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, ये आएगा इसमें. वन दैट इज प्लेनेटरी इन स्कोप इफ नॉट इन इट्स एब्सोल्यूट स्टेक, इट विल डिस्प्लेस टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. तो वन जो है ये एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के लिए एक प्रोनाउन है.
मतलब क्लाइमेट चेंज एक ऐसा थ्रेट है, लाखों लोगों के लिए एक थ्रेट है, काफ़ी लोग इसमें, काफ़ी जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो उसी सेंस में इसमें बात हो रही है। तो ये वन जो आया है ये क्लाइमेट चेंज के लिए ही आया है, और यहाँ पर ये सेंटेंस इसमें पूरी तरीके से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। अब यहाँ पर देखते हैं, हुंडई बिलीव्स दैट, हुंडई किसी चीज़ में बिलीव करता है, यहाँ पर एक एक फैक्ट आना चाहिए, यहाँ पर एक एक कोई भी छोटी सी प्रोवर्ब आ सकती है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि हुंडई बिलीव्स दैट, हुंडई बिलीव करता है किस में, इसमें बिलीव करता है, यहाँ पर एक फैक्ट होना चाहिए। अब देखिए, इसका लिंक यदि यहाँ से आपको नहीं मिलता है, इसका लिंक यदि यहाँ से नहीं मिलता है, तो आप आगे वाला जो सेंटेंस है, सॉरी आगे वाला जो सेंटेंस है यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, इवन दिस मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, इवन दिस मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कोई भी एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट की चर्चा किस में की गई है, कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई है इसमें, सी में, एवरी वन शुड हैव फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी। तो फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी नामक जो कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए आगे बोला गया है, इवन दिस मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पैराग्राफ फिलर्स के लिए मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे कि सर पैराग्राफ फिलर्स को करके बताइए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कनेक्टर के लिए भी बोला है, तो इनकी भी मैं टेक्निक वाली जो क्लासेस हैं वो जल्दी ही अपलोड करूंगा इस चैनल पर। और यदि आप IBPS, PO, SO, क्लर्क, LIC, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, RRB, AAO, इन सभी एग्ज़ाम्स की या इसमें से किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इंग्लिश सेक्शन आप प्रिपेयर करना चाहते हैं प्रीओ मेंस के लिए, तो आप मेरी पेड क्लासेस, पेड टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्रेश टारगेट बैच मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, अभी चल रहे हैं ये, और इसमें आज यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें एक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इन टारगेट बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।